लास्ट टाइम चेक करो प्लीज, लास्ट टॉपिक क्या करा था। वर्नर्स पॉस्टुलेट वही थे, नहीं वही थे। हाँ जी, अच्छा वर्नर के, मतलब एक बार चेक करो पॉस्टुलेट, पाँचों पाँच लिखे या फाइव लिखे थे ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स करे थे, रिएक्शन विद AgCl भी करी है, हाँ करे हुए हैं मोल्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मनवीर फैन ऑन कर दे प्लीज हो जाके। कलर्स नहीं करे होंगे ना, नंबर ऑफ आयंस करे थे। हाँ आयंस तो आई थिंक स्टार्टिंग में ही करे थे, डिफरेंट आयंस फॉर्म करता है। डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो तो करे होंगे, नहीं करे? ठीक, आयंस क्या करे थे? कहाँ से आ रहा है? आया टेबल नहीं था, ठीक है। टेबल करना भी नहीं है, थोड़ी सी रिवीजन जो लास्ट टाइम के गए हो। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसे मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम, लेट इट बी कोबाल्ट, ठीक है। बाकी क्या है इसके इनसाइड? लिगेंड्स हैं, अमोनिया मान लो फाइव टाइम्स, एक क्लोरीन है, बाहर भी क्लोरीन है। कंपोनेंट इसे क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज मेटल, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। जो बाहर क्लोरीन है, दीज आर नोन एज काउंटर आयन, ओके। इस चीज को क्या बोलते हैं? ये जो चीज है, दीज आर नोन एज लिगेंड्स। इतना रिकॉल कर पा रहे हो? दैट सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स हैं, बाहर काउंटर आयन है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चैप्टर का नाम ही वही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लीगेंड टू मेटल बॉन्ड टाइप क्या है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। कौन डोनर एटम है, कौन एक्सेप्टर है? अगर कोऑर्डिनेट है तो एक डोनर होएगा, एक एक्सेप्टर होएगा। विच वन इज डोनर, लीगेंड या मेटल? मेटल इज डोनर, लीगेंड एक्सेप्टर, ठीक है। कॉपी खोल के देखी नहीं है फिर, मतलब ठीक बोल रही है या ऑपोजिट है? कौन? नाम से, नाम से कोबाल्ट क्या है? डोनर। एंड जो साथ में लगे हुए हैं अमोनिया या क्लोरीन, वो क्या है? एक्सेप्टर। हाँ फिर उल्टा बोल रहे हैं ना, नहीं है ऐसा। बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है? बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम लीगेंड टू मेटल, ये है कोऑर्डिनेशन। अब तो कंडीशन ही भूल रहे हो। व्हाट इज द कंडीशन टू एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम? इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। कोई चीज लीगेंड कैसे एक्ट कर सकती है? मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो कंडीशन है। ये ना सिलेबस इकट्ठा हो जाए ना बहुत ज़्यादा, अगर आप लेक्चर वाइज नहीं रीड करके आओगे। लीगेंड डोनर है, सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल आयन,
एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है वो सेंट्रल एटम, ठीक है। लिगेंड क्या है? लुईस बेस। अब जो क्वेश्चन करने हैं, चलो मैं तो लगा भी इतना रीड करके ही आए हैं, क्वेश्चन है यार आज जो टॉपिक करना है वो है सेकेंडरी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी, फोकस ऑन सेकेंडरी वैलेंसी। एक वर्ड था सेकेंडरी वैलेंसी लास्ट टाइम, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, अनदर नेम सेकेंडरी वैलेंसी को नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बोल देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी बोल देते हैं। एक क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा सपोज एग्जाम में, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज CO CL3 NH3, क्या क्वेश्चन? एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेना, तो फिर लिखना CO CL3 डॉट 4 NH3, ठीक है। वन मोल ऑफ इट, वन मोल ऑफ इट फॉर्म्स या गिव्स वन मोल ऑफ ए जी सी एल, वन मोल ऑफ ए जी सी एल व्हेन ट्रीटेड विथ, when treated with excess of AgNO3, AgNO3 solution, ठीक है। क्वेश्चन है predict, predict coordination number of cobalt, means secondary valency क्या है cobalt की, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड राइट एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड, क्यों एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जब सॉल्व करेंगे तब आइडिया लग जाएगा क्या बोल रहा हूं। फिलहाल देखो जो कंपाउंड गिवन है देखने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नहीं लग रहा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने करा है स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे ही करा था ना, यहाँ पे लिखा नहीं, उस फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन। अब लिखा हुआ क्या है सॉल्यूशन देखो, सॉल्व क्या करना है, वो कह रहा है व्हेन वन मोल ऑफ इट, वन मोल मीन्स वन मोल ऑफ सी ओ सी एल थ्री डॉट फोर एन एच थ्री, इंपॉर्टेंट वर्ड इज वन मोल, ठीक है, वन मोल ऑफ इट व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्रेट सॉरी सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ठीक है, एंड इट इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है, क्या फॉर्म कर रहा है, इट गिव्स वन मोल ऑफ ए जी सी एल, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट वन मोल, ये चीज आपको गिवन है, मैं रिएक्शन की टर्म में लिखा है, ठीक है, वन मोल ऑफ ए जी सी एल होता है क्या, ए जी सी एल, ए जी सी एल होता है वाइट प्रेसिपिटेट, पीपीटी समझते हो, डाउनवर्ड एरो का मतलब ही प्रेसिपिटेट होता है, इंडिकेटिंग नॉन इनसॉल्युबल, सॉरी इनसॉल्युबल, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन से हाउ टू प्रेडिक्ट एग्जैक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला करें कैसे, से देखो मोल्स कितने फॉर्म हुए ए जी सी एल के, वन, ठीक है, मीन्स ये जो क्लोरीन आया ये कहाँ से आया होगा, आयन फॉर्म हुए होंगे,
यही है ना। एंड विच क्लोरीन इज आयोनाइजेबल, मीन्स विच पार्ट इज आयोनाइजेबल, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है या बाहर होता है? बाहर। पहले ये सोचो, याद आया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जब, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब वाटर या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो कौन सा पार्ट आयोनाइज होता है? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। नाम क्या बोलते हैं उसे? काउंटर आयन। यही है ना। सो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इसे लिखवाने का कोई और तरीका नहीं है, ध्यान से देखना। दैट वन मोल, वन मोल से क्या इंडिकेट हो रहा है? स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर क्या है, वो बाद की बात है, बाद में देखते हैं। लेकिन बाहर क्लियर है क्या होगा? वन क्लोरीन। यहाँ तक ठीक है? एक क्लोरीन बाहर है शिवाली, ठीक है। वन क्लोरीन इज आउटसाइड द स्क्वेयर ब्रैकेट। अब आ जाओ फॉर्मूले पे, क्या बचा बाकी? सेंट्रल, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉलेज आपको हेल्प करेगी। सेंट्रल मेटल एटम, इज दिस ओके? कोबाल्ट सेंट्रल मेटल हो गया। बाकी क्या लगेंगे इसके साथ? लीगेंड। अब लीगेंड के नाम देखो क्या है, एग्जैक्ट नेम आज के लेक्चर में आगे करना है, बट फिलहाल जितना आपको पता है उसमें देखते हैं। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, ठीक है। एंड NH3 क्या है? अमोनिया। अल्फाबेटिकली अरेंज करो इसे, पहले कौन आएगा है, अमोनिया या क्लोरो? क्लोरीन, अमोनिया, ठीक है। अल्फाबेटिकली लिखते हैं, कितने लिखोगे? हाउ मेनी अमोनिया? टोटल फॉर्मूला कंप्लीट करना है, फोर, फोर थे, ठीक है। क्लोरीन पूरे हो गए? अभी नहीं हुए। क्लोरीन कितने बचे थे? टू। फॉर्मूला देख लो, कंप्लीट हो गया। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। नाउ काउंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं बेटे? चार अमोनिया फॉर्म करेगा एंड दो क्लोरीन फॉर्म करेगा, कितने हो गए? सिक्स, ठीक है। और वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें चलो आपने फाइंड कर लिया, सिक्स आया है। नेक्स्ट टाइम याद ही रखना है, कोई भी कोबाल्ट का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? सिक्स ही आएगा, ठीक है। रिमेंबर सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड। फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करो, इज दिस ओके? एरन ठीक है क्वेश्चन, है ना? और मैं जो ये क्वेश्चन एक बार थोड़े साल पुराने या प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन बुक को स्क्रॉल करोगे पता लग जाएगा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मतलब इट्स अ वन पार्ट, 3 पार्ट। और लिखना क्या था? एक्सप्लेन एक्सप्लोर नहीं पूछा उसने, क्वेश्चन क्या पूछा है ये तो मैंने फिर एक्सटेंड कर दिया। उसने सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ था, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है। 3 वर्ड्स थे, मीन 6-6-4 था या 6-4-4 था, याद नहीं मुझे, 3 ही वर्ड्स लिखने थे। बट वो पता कैसे लगता अगर आपको ये नॉलेज है अभी, वो क्लोरीन कहाँ से आए, ठीक है। रिएक्शन ठीक है, ओके। AgNO3 एक्सेस लेने से क्या हुआ? ताकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना था। इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका 1 मोल, 1 मोल ऑफ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl, इंडिकेटिंग ओनली वन क्लोरीन इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज काउंटर आयन। टर्म ओके है, ठीक है। कंप्लीट करें आगे, ये एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं आगे। लिख लो पहले, लिखिए। सो ये रहा फॉर्मूला, ये रही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। टेबुलर में हमें करते हैं, एक एक एग्जांपल थी, ज्यादा एग्जांपल्स करता हूँ, हो गया। कंपाउंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन। अच्छा हाँ, ये कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड। ये नंबर ऑफ, जो इंफॉर्मेशन गिवन है यूजिंग इन क्वेश्चन लिख लो, यूजिंग द डाटा इन फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल प्रेडिक्ट, ये नहीं लिखना, प्रेडिक्ट एग्जैक्ट
फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस एंड, नंबर ऑफ आयंस एंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। आदित्य गुड आफ्टरनून। ओके सो लेट हुए हैं बट नॉर्मल कट सीधा रखो विश करने वाली, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल ये चीज फाइंड, ठीक है। हाँ जी बढ़ा दो, मतलब ठंड लग रही है, मैनू गर्मी लग रही है। तू सीट चेंज करके देख, इत्थे आ जा, वो सीट ही खराब है, उससे ठंड ही है, या वहाँ पे चले जा, वहाँ पे आ जा, बिल्कुल भी नहीं लगनी। देख एक हवा क्या, वहाँ पे तो गर्मी है, एक बार देख, ठीक है। अभी कंफर्टेबल है, ठीक है, ओके। यहाँ पे है फॉर्मूला जो निकालेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो मैं लिखवा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे थ्री, नेक्स्ट कंपाउंड देख लें, अच्छा चलो CO Cl3 डॉट 5NH3, CO Cl3 डॉट 4NH3, CO Cl3 डॉट 3NH3, ठीक है। हेडिंग ध्यान से देखना क्या है, थ्री यहाँ पे आयंस, 1, 2, 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, यहाँ पे 2 ये फॉर्म कर रहा है, 1 लास्ट वाला फॉर्म कर रहा है 0, ठीक है। बस यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, टेबल कंप्लीट करना है बेसिकली अपने, बाकी क्वेश्चन को खराब नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वही पार्ट दोबारा करवाऊँगा जो मैंने ऑलरेडी करवाया है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन करवाया, चार है ना, अगर ए बी सी लिख लूँ, हाँ जी विच वन, ए बी सी डी, कौन सा वाला करा है, सी पार्ट, सी पार्ट ही दोबारा करवा रहा हूँ। अच्छा देखो दोबारा देख लो एक बार, अगर लास्ट टाइम कोई डाउट रह गया, चलो पहले नोट करूँगा, जिसे समझ आ गया कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, कंप्लीट करना है। हाँ समझाता हूँ, ठीक है। वो पता लगेगा AgCl के, अगर AgCl के मान ले 1 मोल फॉर्म कर रहा है, वो कौन सा क्लोरीन होगा, वो क्लोरीन है जो आयोनाइज हो रहा है। अच्छा सिंपल उसमें सोच, 1 मोल KCl का है हमारे पास, ठीक है, और उसे AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया 1 मोल के, सो कितने मोल ऑफ AgCl फॉर्म होंगे, एक ही होगा। अगर दो, सो हाँ जी अगर 2 मोल KCl के हैं, हाँ तो बाहर दो है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे देखो, जो सी पार्ट करवाया दोबारा देखो, 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, ध्यान से आदित्य तो देख, इन्हें मैं पहले करवा के आता हूँ, 1 मोल ऑफ AgCl फॉर्म हो रहा है। इस 1 मोल का मतलब क्या है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो तो ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्लोरीन आउटसाइड कितने प्रेजेंट है, कितने है, 1, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज दिस ओके। आउटसाइड कितने प्रेजेंट है, 1, इनसाइड मतलब बाकी चीज क्या है, सेंट्रल एटम हो गया, और पहले अमोनिया लिख दोगे, कितने अमोनिया है इसमें, 4, 2 क्लोरीन, इज दिस ओके, कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी लिखा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है।
सिक्स लीगेंड्स हैं, फोर अमोनिया, दो क्लोरीन, ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब आ जाओ नंबर ऑफ आयन्स कितने फॉर्म करेगा ये इस कंपाउंड की जब आयोनाइजेशन करोगे, इसी कंपाउंड की सी ओ एन एच थ्री। एरन को ये आंसर, ये कितने आयन्स फॉर्म करेगा बेटे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? दो, ठीक है। क्या बनेगा? एक तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाले का समान सी ओ एन एच थ्री फोर टाइम्स सी एल टू पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, एक्वस लिख लेना। कितने आयन्स बने काउंट करो? टू आयन्स। दो में डिसोस, सब में नहीं, इसमें टू बन रहे हैं, सब में चेक करेंगे, ठीक है। इसमें आयन्स कितने बन रहे हैं? टू। आपका एक आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। सेकंड, बाकी करो बाकी पार्ट्स। कौन सा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जी सी एल फॉर्म? वो तो लिखा हुआ है ना, तो गिवन है, जितने आयन्स बन रहे हैं। थ्री तो प्रोडक्ट बताया आपको, तीन मोल्स बने, वही तो खुद तो आंसर कर रहे थे। हाँ जी, हाँ ये गिवन है, जो भी रेड में लिखा है वो गिवन है। आंसर मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, जो भी पहले रेड में लिखा है ना वो टेबल गिवन है, उसे यूज करके आप कोई ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना। अब उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इस टेबल को कंप्लीट करो। हाँ जी, हाँ, ठीक है, सी एल थ्री बार है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो ये कोई बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं है, सी एल थ्री बार, दैट्स इट। अर्शद है, तीन मोल्स ऑफ ए जी सी एल बन रहे हैं ना, इट मीन्स थ्री क्लोरीन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, दैट्स इट, हो गया। बाकी चीज क्या बची? सी ओ और अमोनिया कितने हैं? हाउ मेनी? थ्री। टोटल कितने हैं? सिक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे भी याद रखना सिक्स ही आएगा, कोबाल्ट का सिक्स ही है, चाहे हजारों कंपाउंड हो जो, वो आपका हाफ मार्क फिक्स है या वन मार्क, जितने में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज सिक्स फॉर कोबाल्ट, ठीक है। आयन्स कितने बनेंगे? एक आंसर आया फोर, बाकी एनीवन? हाँ जी शिफाली, ओ सॉरी मन्नत, फोर, ठीक है। तीन क्लोरीन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टोटल फोर। नेक्स्ट वाला कर लोगे? तुषार तुम बोल दे नेक्स्ट, नोट बात करें तो पहला सॉल्व कर, नोट करना कोई इंपॉर्टेंट नोट था, नॉर्मल कॉपी से जितना मर्जी मिल जाना। है ठंडा, कोई नहीं, आज इतना ठंड है इसलिए, ठीक है। तो पहला आंसर दे आओ, पानी बाज दे दे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, पानी पुनी बाज दे दे, पहला तुसी आंसर दे आओ। हाँ जी सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी, बी पार्ट। हाँ बस ठीक है, हाँ बाकी बोल दो जल्दी जल्दी। सी एल टू बाहर है, दैट्स ओके, देन सी ओ ना, हाँ क्या चीज पूछ रहे हैं? हाँ एक बच गया क्लोरीन, ठीक है। लास्ट वन, हाँ जी एज इट इज मीन्स, एज इट इज थोड़ी, सी ओ एन एच थ्री, हाँ जी थ्री टाइम्स सी एल थ्री, ठीक है, बाहर कुछ है ही नहीं, ओके। नंबर ऑफ आयन्स इन दिस केस थ्री, लास्ट वन जीरो, वन नहीं लिख देना किसी ने,
मतलब मैं खुद भी शायद वन लिख देता तो कन्फ्यूज। ओके अगर जीरो नहीं तो क्या वन? चलो जीरो छोड़ दे, तू अपना ओपिनियन दे भी क्या होना चाहिए। जीरो मैं बता देता हूँ क्यों है। हेडिंग रीड कर, आयंस। जब उसे पानी में डिजोल्व भी करोगे क्या वो आयोनाइज होगा? नो। सो आयंस जीरो। ठीक है, ओके है मैंने जीरो। ठीक है, इसे वन नहीं काउंट कर लेना सर, एक तो है बिल्कुल है, बट वो मॉलिक्यूल है, दैट इज नॉट आयन, चार्ज नहीं है। हो जाएगा क्वेश्चन अगर ये आ गया। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्नर्स थ्योरी। मतलब जो वैसे तो वर्नर थ्योरी पे छोटे छोटे क्वेश्चन बथेरे बन रहे आने हैं, एमसीक्यू या वन वर्ड तो बहुत सारे हैं। विच वैलेंसी इज वेरिएबल प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी इज वेरिएबल। ठीक है, आप बोलते क्यों नहीं है नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रिवाइज करके है। प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल, सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, व्हेन विच वैलेंसी इज डायरेक्शनल, पर्टिकुलर एंगल पे ज्योमेट्री कौन है? सेकेंडरी। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल प्राइमरी। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस पे तक, हो गए? ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी गलत तो नहीं करोगे? ठीक करना है, वैसे भी सोचना भी नहीं है, सिक्स ही आंसर लिखना है अगर कोई कंपाउंड कोबाल्ट का हो, सेकंड बता रहा हूँ आयरन का हो। ठीक है, अच्छा टेस्ट की तैयारी प्लीज सैटरडे ना स्टार्ट, संडे ना स्टार्ट करना, या मंडे, या फिर और भी लेजेंडरी भी ट्यूसडे सवेरे सवेरे उठ के। ठीक है, प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे ही आ रहा है ना? हाँ उस दिन, हाँ ट्यूसडे। सो बहुत दिन है आपके पास अभी तक। ठीक है, रानी नाल क्यों देख रहे हैं? मैंने एमए लग गया, तू पढ़िया नहीं? मैं है तुझे पता नहीं? पता है, और मैं लेना है तो के नाल, मैं कोई ये मौका नहीं मिलेगा तुझे भी मैं कल दे दूं या परसों दे दूं। वो तूने हाल देख लिया दोनों बार भी, अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ना या डेडलाइन, फिर कोई टेस्ट नहीं होता उसी दिन, ना उससे पहले ना बाद। हाँ जी क्या? तो हाँ देख लो कैलेंडर से। हाँ जी, ओ यार आ ट्यूसडे नहीं, तो नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट हेडिंग पाओ, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन जैसे इस फॉर्म में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख सकते हैं, और जो ज़्यादा फेमिलियर वे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे लिखते हैं? CO NH3 6 CL3, दोनों तरीके हैं। ठीक है, पहले वाला ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा है, ठीक है आयंस के साथ है, सेकंड ज़्यादा कॉमन है। डेफिनेशंस क्या क्या करनी है? नाम तो मैं बहुत बार सुनी लिया होगा। कोबाल्ट क्या है यहाँ पे? कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेशन सफियर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, दो तीन नाम ऐसे, दैट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इट इज नोन एज अ लीगेंड, जो आउटसाइड है दैट इज काउंटर आयन। दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन, वन सेकेंड, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ
लिगेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है आप। हाँ जी, हाँ वो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटायटी, यही डेफिनेशंस करनी है। नहीं नहीं इससे तो नोट क्या करना है, लिखो फर्स्ट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटायटी। कोऑर्डिनेशन एंटायटी क्या है, जिसमें एक सेंट्रल एटम आयन, एटम और आयन होगा एंड एक्स नंबर ऑफ लीगेंड्स होंगे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। डेफिनेशन चेक कर लो एक बार, डेफिनेशन ठीक है, यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जाम्पल सी ओ एन एच थ्री सिक्स थ्री पॉजिटिव एफ ई सी एन सिक्स थ्री नेगेटिव बहुत है, दो एग्जाम्पल्स। ओके, बेसिकली लीगेंड आयंस में एंड सेंट्रल मेटल आयन। थोड़ा फास्ट फास्ट लिख लो यार, नॉमनक्लेचर तक पहुंचना है आज ही। लास्ट टाइम तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करा। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, एक सेकेंड। सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन, सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन। सेंट्रल एटम क्या चीज है, इट इज द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन टू विच एक्स नंबर ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड। कीवर्ड्स हैं डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर याद रखना है, आइडेंटिफाई करना है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एंड फिक्स्ड नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोल रहे हैं ना, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक अनदर नेम इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और सिंपली कॉम्प्लेक्स आयन, अलग अलग ना।
ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, सेंट्रल एटम की वही दोनों कंपाउंड ले लो, CO NH3 6 3 पॉजिटिव, सेकंड वाज FeCN 6 3 नेगेटिव, ये कंपाउंड्स ले, यही लिए थे ना दोनों आयन्स लास्ट टाइम। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है? कोबाल्ट। मेटल आयन ठीक। नेक्स्ट है डेफिनेशन, लीगेंड बाद में लिखना, एक सेकेंड है, लीगेंड रुक जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल देख लो, CO NH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी अब तक तो इसकी रट की होगी, आंसर इज 6। जस्टिफाई कैसे करोगे, लिखोगे क्या? यहां पे बचे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6, इट इज 6 बिकॉज इट एक्सेप्ट्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल अगर लिखोगे, ये फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल टू FeCN6 3 नेगेटिव, यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6, अगेन इट इज 6 बिकॉज it accepts 6 electron pairs, 6 electron pairs from 6 cyanide ions. दोनों केसेस में 6 की इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज 6। हो गया,
अच्छा नेक्स्ट हेडिंग लिखो लिगेंड्स। इसमें देखो इस कॉम्प्लेक्स में एक एग्जांपल है, एक और वो एग्जांपल्स ले लो। सी एन यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है, यहाँ पे सी ओ लिगेंड है। लिगेंड क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो ही चीज़ें हैं, एक हमने ऑलरेडी कर ली दैट सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा चीज़ क्या है दैट इज नोन एज लिगेंड। हाउ टू डिफाइन ए लिगेंड? अ मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल और आयन विच इज कोऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, दैट इज नोन एज लिगेंड। डेफिनेशन पहले लिख लेना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, यही वाली लिखनी है जो आप लिख रहे हो हर केस में, एग्जाम्पल वो ही लिख सकते हो। बट इन दैट केस फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा अमोनिया, सेकेंड में सी एन नेगेटिव, वो लिगेंड है उन एग्जाम्पल्स में। क्या हो गया आदित्य? अच्छा चलो लिगेंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करने की कोशिश करो। लिगेंड क्या है? जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? मस्ट पजेस एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कौन इसके अलावा कौन लिगेंड एक्ट कर सकता है? यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लिगेंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे इन दो एग्जांपल में ही देख लो, पहले में लिगेंड क्या है? सी एन नेगेटिव, सेकेंड में लिगेंड क्या है? सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ तुम कोई नहीं, रब नहीं कर रहा। ये है लिगेंड मेटल, ठीक है। लिगेंड क्या है? लुइस, लिगेंड को क्या बोलोगे? लुइस बेस। मेटल इज लुइस एसिड, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन टू एक्ट एज लिगेंड, कंडीशंस एक ही है। फर्स्ट ओनली कंडीशन इज मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मस्ट कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीशीज है। और इससे अलावा वैसे आपने लिखा हुआ है लीगेंड कैन बी न्यूट्रल, लीगेंड कैन बी न्यूट्रल। एग्जाम्पल इज सी ओ, सी और ओ का साइज बराबर पाना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैपिटल सी स्मॉल ओ बन जाता है कोबाल्ट, ठीक है। अनदर इज अमोनिया, अनदर इज वाटर, ठीक है, ये है न्यूट्रल। इट कैन बी लीगेंड कैन बी नेगेटिव, मतलब आयन भी हो सकते हैं। कौन से? जैसे सी एल नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, ठीक है। और लीगेंड कैन बी पॉजिटिव, ये पहले लिखा जरूर होगा, एक बार रिपीट कर लो इसे, एन ओ पॉजिटिव, बट तीनों कैटेगरीज में एक चीज कॉमन है, ऑल दी स्पीशीज कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लिख लिए। सो एक स्टेप और क्लोज है। डेफिनेशन जितनी नॉमनक्लेचर के लिए चाहिए वो हो गई हैं सारी, बट स्टिल अभी अपने नाम नहीं पता। जैसे याद है नॉमनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले वर्ड रूट करते थे अलग से, अगर एक कार्बन है देन इट इज़ नोन एज मिथ, दो है इथ, प्रॉप, ब्यूट, बिल्डअप करते थे ना, फिर उसे ऐड करके लिखते थे। अगर सब्सिट्यूएंट लगा है सी एच थ्री तो उसे क्या बोलते थे, मिथाइल। अगर सब्सिट्यूएंट है सी एल तो उसे क्या बोलते थे, क्लोरो। ठीक है, अभी हमें ये तो पता भी लीगेंड है, सी एन लीगेंड है, लेकिन सी एन को बोलते क्या हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सी एन, वो नहीं पता। नेम करने हैं, ठीक है, लीगेंड की क्लासिफिकेशन करनी है, फिर नाम करेंगे जोड़ के। सिमर ठंड लग रही है, सीट चेंज करनी है तो कर ला। हो गया देते हो कर जल्दी। आ रहे अपन तो मैं ठीक है देखो, और कोऑर्डिनेशन नंबर वी हैव डन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिख लिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दोबारा नहीं लिखना, सेम ही है ना, कोऑर्डिनेशन एंटायटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, सेम चीज़ है वो भी, लीगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, कोऑर्डिनेशन एंटायटी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन डिफाइंस। काउंटर आयन तो जो बैलेंस करने के लिए प्रेजेंट है, आयोनाइजेबल ग्रुप्स लिखना लिख लो, अगर लिखना लिख लो, काउंटर आयन लिख लो बस सिर्फ, ठीक है। आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द स्फीयर, काउंटर आयन लिख लो, ठीक है। नहीं नहीं डेफिनेशन अलग, तो डेफिनेशन बनानी है काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो पहले लिख लिया, दोबारा जैसे सी ओ एन एच थ्री सिक्स सी एल थ्री, दीज आर काउंटर आयन। ठीक है, दीज आर काउंटर आयन। ओके अच्छा नेक्स्ट लिखो, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही है। What are homoleptic complexes? Complexes in which
मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, इसमें सिर्फ एक टाइप के लिगेंड्स होते हैं, दिस कंपाउंड इज होमोलेप्टिक, समझ रहे हो? इसमें लिगेंड कौन है? NH3, वन टाइप, ठीक है? हेट्रोलेप्टिक आई थिंक गेस कर लोगे, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स होते हैं, एग्जाम्पल्स में करा था ना, इसे ये कंपाउंड है, इसमें अमोनिया भी है एंड क्लोरीन भी है, दैट इज हेट्रोलेप्टिक, ठीक है? होमोलेप्टिक विच कंटेन्स वन काइंड ऑफ लिगेंड, विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, टर्म्ड एज हैप्टोल हेट्रोलेप्टिक, सॉरी। डन, मुझे याद आया। लेट कौन आया? नहीं, उसने क्या रिकॉर्ड कर दिया ना, दिस इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, ठीक है? मेरी नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं करूँगा, वो तेरा फंक्शन है, तू आएगा फिर होएगा, है ना? सो मैं तेनों रिस्पॉन्सिबल बना के भेजना है, केमिस्ट्री अलग चीज़ है, वो नाल दी नाल चल रहा है अपना, पता तेनों रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो होने दे, फिर क्या हो गया, बारिश होने दे, तूफान होने दे, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज़ है जो। अच्छा, हेडिंग पाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है? जैसे आप रीड करके आए हो, अब भी लिखवाए हुए थे, लिगेंड्स क्या होते हैं? दीज कैन बी चार्ज्ड, दीज कैन बी न्यूट्रल, चार्ज्ड पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है? ये है फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वही है क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। हेडिंग पाया आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स, थोड़ा सा लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये तीन कैटेगरीज के नाम करने हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। क्या चीज़? नहीं, MAO फ्लो चार्ट ही बना ला, ABC च ना सब हेडिंग्स हो जानी, फिर प्रॉब्लम हो जानी। करी हुई है आदित्य, रिकॉर्डिंग है, जितना मर्जी बना लो, नहीं वैसे ही लिख दो, थ्री टाइप्स,
नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है, इसमें क्या है, अपन कुछ भी लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, ठीक है। फर्स्ट लिखो पॉजिटिव लिगेंड्स, नाम याद करने हैं बेसिकली, नेम इज हाई, हाँ जी, हाँ हाँ टेबल बनाना है, टेबल नीचे तक चलते रहने देना, इतने नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है, काफी हैं। मैं फर्स्ट इज हाइड्राजीनियम आयन, ये हाइड्राजीनियम आयन होता कौन सा है, ये फॉर्मूला है इसका NH2NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम, ठीक है, और इसे जब कॉम्प्लेक्स में लिखना है तो लिखना क्या है, इट इज रिटन एज हाइड्राजीनियम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब ये लिगेंड एक्ट करेगा, इट इज रिटन एज हाइड्राजीनियम, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम एज NO पॉजिटिव, इट इज रिटन एज नाइट्रोसोनियम, मतलब अभी तक सिंपल ही चल रहा है, बेसिकली पॉजिटिव आयन्स के पीछे IUM लग जाता है, ठीक है। नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम एज NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, ठीक है, तीनों में कॉमन चीज देख लो IUM, पॉजिटिव वाले वैसे कम ही हैं, न्यूट्रल एंड नेगेटिव ज्यादा हैं। नाम दोबारा देखो, स्पेशली थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही गिवन होंगे आपको। स्पेशल फोकस ऑन चार्ज, क्योंकि वहां पे अगर सीएल लगा भी होता है तो सीएल लिखा होता है, सिर्फ ये नहीं बताया होता सीएल पे चार्ज कितना है, ये आपने याद करना है, सिंगल पॉजिटिव है। ठीक है, सो नाम यहाँ देखा, हाइड्रोजीनियम नाइट्रोसोनियम एंड नाइट्रोनियम। नेक्स्ट, हाँ जी रह गया भाई, ओके। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव लिगेंड्स, नाम नहीं लिखने मैं लिखवाऊंगा, रुक जाओ, अच्छा नहीं ठीक है, ठीक हो गए, पहले नाम रॉन्ग थे, लिख लो बच्चे, सी एन नेगेटिव इज साइनो चार्ज, फिर दोबारा बोल रहा हूँ चार्ज याद रखने हैं, ठीक है, इन सब में हो क्या रहा है, इन सब में आइडो लगे, देखो पहले साइनो अगर आयोडाइड है या हेलाइड है, सॉरी क्लोराइड को क्या लिखना है, क्लोराइडो, ठीक है, ओ क्लोराइडो, ठीक है, ब्रोमीन है ब्रोमाइडो, आयोडीन है आयोडाइडो, ओके दिख रहे हैं नाम, जरूरी नहीं है एक ही, अगर चार कॉलम्स में लिखना है चार में लिख लेना अलग अलग, ये तो जनरल मैंने हेलाइड लिखवा दिया, ठीक है। एच नेगेटिव हाइड्राइडो, NO2 नेगेटिव नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो एमाइडो, ठीक है, हाँ जी हाँ जी सारे लिखने हैं, और ये सारे नहीं है और भी हैं, नेगेटिव तो बहुत है। अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग कॉलम्स बना लो, अगर एक पेज पे सिक्स कॉलम्स बना सकते हो सिक्स लिख लो अगर स्पेस बचानी है, ठीक है, अदरवाइज थ्री बना के लिखनी है, थ्री कर लो, सिक्स समझते हो कैसे बोल रहा हूँ, इसी को दोबारा रिपीट टेबल को,
सो ये नाम यूज करेंगे साइनाइड, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां पे साइनाइड यूज करते थे, अब इसका नाम लिखेंगे साइनो, एफ नेगेटिव, जो फ्लोरो होता था ऑर्गेनिक में, फ्लोराइड होता था इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेज में, नॉर्मल सॉल्ट्स में, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोराइडो, ठीक है, नाइट्रेट बन गया नाइट्रेटो, हाइड्राइड बन गया हाइड्राइडो, ज़्यादा लिख लिया, थक तो नहीं गए, ब्रेक लेना, ब्रेक ले लो अगर हाथ दुखने लगे, क्या थोड़ा ज़्यादा, अगर ज़्यादा लिख लिया टेबल लिख के, या पहले ब्रेक लेना, 5 मिनट्स ब्रेक ले लो, बट ये कैटेगरीज तो कंप्लीट करनी है, लिखने वाला ही ज़्यादा है, समझने वाला तो आप घर जाके इसने नाम को याद करोगे तभी होंगे, डुअल पर्पज टेबल है जिसने बैलेंसेज याद करी हुई है, आदित्य तेरी तो रिवीजन हो रही होगी, तूने तो बैलेंसेज करी है याद है ना, बोली सो वही है, ओ एक्स्ट्रा लग गया, बाकियों ने जिस बैलेंसी टेबल मैंने ट्राई करा आपको एक दो बार टेस्ट लेके भी नहीं याद है, तो अब कर लेना है, करनी है बैलेंसेज, क्योंकि इनके नाम और इनके चार्ज के बिना IUPAC नॉमनक्लेचर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, नाम भी करना है और उससे भी इम्पोर्टेंट चार्ज भी करना है, वैलेंसी मतलब, किसे, हाँ हाँ नेगेटिव लिखने हैं, लिखने हैं, तो आ रहे हैं सल्फेटो कार्बोनेटो, नेगेटिव वाले, हाँ हाँ है नेगेटिव, एक बार जो लिखा है मैच कर लो भी, ठीक लिखा है देख लो नाम, एरन तेरे हो गए थे, यही है बाकी नेगेटिव वाले, रुक के लिखने हैं, रुक के लिख लेना, कोई जल्दी नहीं है, वैसे ब्रेक लेना ले लो, फोन नाल क्यों लाया ना, मैच आजकल चल रहा है, मैच नहीं, वो तो ठीक है, मतलब बच्चे देख रहे हैं मैच, मतलब बहुत रेयरली कोई इंटरेस्ट भी क्रिकेट च होने, बच्चे नो इंटरेस्ट है, स्ट्रेंज, चलो अच्छा है, कोई नहीं, राम ना लेके टाइम दे दो,
नेगेटिव ओवर है हम बाकी लिखने हैं, पॉजिटिव लिखने हैं, न्यूट्रल लिखने हैं। जो आपने अभी तक नाम पढ़े होंगे वो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है, ऑब्वियसली सल्फाइड सल्फाइट सल्फेट सुना हुआ है, बट अब उनको बोलना क्या है, जब कॉम्प्लेक्स में बोलोगे देन सल्फाइड इज सल्फाइडो, सल्फेट इज सल्फेटो, सल्फाइट इज सल्फाइटो, ठीक है। सिमिलरली कार्बोनेट है, देख रहे होंगे कार्बोनेट इज कार्बोनेटो, थायोसल्फेट है थायोसल्फेटो, एक्स्ट्रा ओ आर है, नेगेटिव आयन्स में ओ आ रहा है, पॉजिटिव आयन में क्या आ रहा था आई यू एम, ई एम, नाइट्रोसोनियम हाइड्राजीनियम ऐसे। न्यूट्रल रह गए थे, बस खत्म करो ऐसे लिख के, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल हाँ जी न्यूट्रल यही है, न्यूट्रल लिगेंड्स आर, अच्छा नहीं न्यूट्रल हैं, सॉरी तीन चार और हैं, चार टोटल बता देता हूँ, वन टू थ्री और हैं, ठीक है। कॉमन जो यूज हो रहे हैं वो फर्स्ट पेज में ही हैं, फर्स्ट वाले तीन चार ही हैं। अगर अमोनिया है, न्यूट्रल का देख लो, न्यूट्रल का कोई रूल नहीं है इसलिए इसने लर्न करना पड़ेगा। अमोनिया इज रिटन एज, पहले ही रॉन्ग है वैसे, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इट्स नॉट अमाइन, इट इज ये लिखा अमीन, इट इज अमाइन, सॉरी अमाइन है, ए डबल एम आई एन ए, अमाइन, ठीक है। नॉमन क्लेचर है तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कम गए। वाटर इज रिटन एज एक्वा, सो चॉइस वाली चीज ही काट देता हूँ, एक्वा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड एन ओ इज नोन एज नाइट्रोसाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज कार्बोनिल कार्बोनाइल या कार्बोनिल जैसे भी प्रोनाउंस करोगे। थायोकार्बोनाइल इज नोन एज थायोकार्बोनाइल, फॉस्फीन इज फॉस्फीन ओनली, ठीक है। सो स्टार्टिंग वाले दो तीन थोड़े बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, अमाइन एक्वा कार्बोनाइल, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल जो मैक्सिमम यूज होंगे वो अमाइन ऑब्वियसली, कार्बोनाइल एंड एक्वा सबसे ज़्यादा न्यूट्रल लिगेंड यूज करने हैं, बाकी रेयर हैं। हो गया,
हो गया ओके। न्यूट्रल लिगेंड कंटिन्यू करो। अच्छा इस जो बिल्कुल लास्ट लिखा है वो क्या लिखा है आपने? फॉस्फीन फॉर्मूला पे फोकस करो। PH3 था। तीनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दें, सब्सिट्यूट करा है बेंजीन रिंग के साथ, C6H5 फिनाइल रिंग है एग्जैक्ट अगर बोलूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन है वही तीन हाइड्रोजन, तीन फिनाइल ग्रुप्स आ गए, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। थायोस यूरिया, थायो वर्ड आता है सल्फर के साथ, ठीक है? अगर यूरिया लिखता है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ओ होता, NH2CONH2, दैट इज यूरिया, ये थायो यूरिया है। पिरिडीन जो मैंने 2 दिन पहले टिक करे थे, एक इससे टिक कर रहा हूँ, ये कॉमनली यूज होता है पिरिडीन में, है जी? जैसे वाटर, अमाइन, न्यूट्रल में ना वाटर, अमाइन, एक और था कार्बोनाइल, CO, ठीक है? एक पिरिडीन, मतलब ज़्यादातर कंपाउंड्स में अगर न्यूट्रल हुआ तो इन्हीं चारों में से होता है। फॉस्फीन, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम। रेयरेस्ट कभी थायो यूरिया देखेगा या नाइट्रोसाइल देखेगा, रेयर कभी किसी कंपाउंड में। ये हैं ये 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नहीं करनी है, 2 मिनट बस, 2 मिनट। दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी एक क्लासिफिकेशन और बची है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। लिखो वीडियो हो गया। अच्छा देखो, एक आयन है COO-, COO-। अगर सिंपली लिखूँ C2O4, इसका नाम दस देंगे C2O4-2-, उसी को ओपन करके लिखा है, आपने बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। इसमें दिस इज ऑक्सलेटो, नेगेटिव आयन में अगर स्पेस है, आई थिंक ये आया नहीं था आयन, एक बार चेक करो आया है? नेगेटिव आयन्स में लिखो, नोट करो इसे C2O4-2-। बिच कितने भी लिख दे, यहाँ देखें जगह नहीं, कितने हैं नेगेटिव आयन? आ रही, आ जगह है, आ जगह है, देख पूरा हाशिया है, इन्ना बड़ा पेज छटा होता है। ऑक्सलेटो हाँ जी, ऑक्सलेटो। अच्छा कॉम्प्लेक्स नेम, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन। अच्छा वर्ड समझा रहा हूँ, डेंटिसिटी भी चीज़ क्या है, जो अगली क्लासिफिकेशन करनी है क्या वो? ये जो ऑक्सलेट आयन है, ये सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा, ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? दो। इसे बोलते हैं डेंटिसिटी, दिख रहे हैं? ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सिंगल, एक ऑक्सलेट, लेकिन मेटल के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है? ये होता है बाइडेंटेट, इसका मतलब होता है डेंटिसिटी। हेडिंग पाओ पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लीगेंड्स। ठीक है,
लीगेंड्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सो पहले ऑब्वियसली टर्म पता होनी चाहिए, डेंटिसिटी होता क्या है, डेफिनेशन लिखो डेंटिसिटी। डेंटिसिटी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन लीगेंड, अंडरलाइन कर लो प्लीज, वन लीगेंड विद सेंट्रल मेटल इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी, इज नोन एज इट्स डेंटिसिटी। ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी लीगेंड्स कैन बी मोनो और यूनी डेंटेट, मोनो और यूनी डेंटेट। ठीक है, सेकंड बाई डेंटेट, थर्ड पॉली डेंटेट, फोर्थ एमबी डेंटेट, एमबी, फिफ्थ इज चिलेट, चिलेट लिगेंड। ठीक है, ये फाइव टाइप के लिगेंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एमबी के, एक सेकेंड, एएम, एम्फोटेरिक, एमबी, पॉलीडेंटेट एंड एएमबी। ठीक है, एम्बीडेंटेट और चिलेट लिगेंड्स। ठीक है, बस यहीं तक करना है, इसकी कैटेगराइजेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे इन डेफिनेशंस को, लिगेंड्स को। ठीक है, ओके, ठीक है, आरन, ओके।